जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में और आज यहाँ पे कई सारे लीडर से मेरी मुलाकात हो रही है, आप सब देख पा रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा आप सब अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लें। थैंक यू सो मच। बहुत 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 आभार। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है नारी शक्ति है, लीडिंग लेडी है। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूंगा। माइसेल्फ सुनंदा जायसवाल, प्रॉपर रायपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ सर। मैम आप तो एक शानदार पर्सनालिटी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अक्सर कहा जाता है कि ये काम उन्हीं का है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, बहुत छोटी जाति का या छोटे वर्ग का आदमी, जबकि आप बनिया परिवार से आती हैं जिनके रगों में बिजनेस होता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना मैम? सर बताना चाहूँगी मैं, पहले तो जितने लोग जितने साथियों मुझे सुन रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप इस फैमिली से हैं लेकिन फिर भी इस बिज़नेस में क्यों आई? तो मैं दोस्त बताना चाहूँगी, हालांकि मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है, फाइनेंशियल मुझे बहुत मतलब पैसों की दिक्कत नहीं थी। और जब से सबसे पहली बात बोलना चाहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग में मैं पैसे के लिए नहीं आई थी। जब सबसे पहले मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को जानी तो क्योंकि उस टाइम मैं स्टूडेंट थी। और दोस्त क्या होता है ना, हर ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए, क्योंकि मेरी नीड पैसे नहीं थी। मैं जैसा सबसे पहले आपको बोली, मैं इस इंडस्ट्री में आई थी दोस्त क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो सिर्फ आपको पैसा नहीं देती, पैसे के साथ साथ बड़ा पहचान देता है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान के साथ साथ मान सम्मान देता है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्त पूरे देश दुनिया को जानने का अपॉर्चुनिटी हमको डायरेक्ट सेलिंग देता है। तो यही बताना चाहूँगी दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी पहचान और मुझे क्योंकि मैं पर्सनली एक सेलिब्रिटी बनने का मौका ये मंच देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे साथ और भी कई सारे लोग जुड़ चुके सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना सर? मैंने सर डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए चुना क्योंकि मैंने यहाँ से एक चीज़ देखा कि पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन पैसे के साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा वो है परिवार की सिक्योरिटी, कि अगर इस बिजनेस को करते करते खुदन खास्ता ऐसा कुछ ना हो लेकिन कभी कुछ हो गया तो मेरी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा। ये नॉमनी फैसिलिटी बिजनेस होता है, मेरे बाद ये बिजनेस सीधा नॉमनी को चले जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इस बिजनेस को करने का कि यहाँ सबसे अच्छा मुझे जो लगता है कि यहाँ से समय भी कमाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो इस बिज़नेस की तो ढेर सारी खूबसूरती है कि हमको देश विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मान सम्मान कमाने का मौका मिलता है, पैसे से तो आज़ादी मिलती ही मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये भी सोच होगी कि आप दो लोग हो सकता है टैलेंटेड हों, आपके पास अच्छी एजुकेशन हो, आप दो लोग सफल हो सकते, लेकिन ये जो पीछे जो खड़े लोग हैं क्या ये लोग भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं? जी सर, चलिए हम इन्हें पूछते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है सर? रोहित कुमार साहू सर। सर नेटवर्क मार्केटिंग के पहले आप क्या करते थे? ये जो जनरल प्रैक्टिशनर सर। हाँ जी, जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर थे आप, डॉक्टर थे? यस। क्या बात है। तो सर आपको इस फंसने फंसाने की दुनिया में कैसे आना हुआ सर? नो सर, फंसने फंसाने का नहीं बल्कि फंसाने का बिजनेस है सर। फंसाने का है? यस। ये आप बता रहे हैं? यस। लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधाभास करते हैं, जो तंज कसते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो तो बताते हैं फंसने फंसाने का काम है। क्या मैम? यस। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शोभा बघेल है सर। मैम आपको ये इंडस्ट्री क्यों अच्छी लग रही है? मैं यहाँ पे देखी सर कि मैं बचपन से स्टूडेंट थी सर, और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। लॉ की? मैं बचपन से चाहती थी सर कि मैं बहुत बड़े मजिस्ट्रेट बनूँ पढ़ के और जज बनूँ। तो मैं यहाँ जल से बड़ी हुई सर, तो मैं देखी कि इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के अलावा जॉब के अलावा यहाँ पे और एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है जी। तो मुझे एक दिन ऐसी जानकारी मिली सर जिसमें मैं देखी कि लोग लॉकडाउन के समय ही मुझे जानकारी मिली थी, तो लोग घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो जॉब पर्सन है वो घर पे थे, वो लोग कहीं जा नहीं रहे थे, उनकी जो खाना पीना है वो सब बंद हो गया था, एक हिसाब से घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया जी। हाँ जी जी सर। तो यहाँ से पैसा बहुत बड़ा कमाया जा सकता है सर, और अपनी जो सारे सपने हैं उसे भी पूरे किए जा सकते हैं। यस सर। सर सारे एक यूथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? जी सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र साहू है सर। तो आपको तो देश का सैनिक बनना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप ए का आपको फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर। लोगों के सवाल तो ऐसे होते होंगे, आपके पास पड़ोस रिश्तेदार दोस्त है, कितने सारे सलाहकार लोग सलाह देते होंगे? बहुत सारे दोस्त है सर, सलाहकार है। हाँ जी। इसमें कैसे आ गए, इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? आप गिरी सर के साथ कैसे लग गए आप? जी सर,
मैं यहाँ देखा सर कि लोगों को यहाँ पे सर एकजुट होके काम करना सिखाती है सर, मतलब तोड़ने का काम नहीं है सर, जोड़ने का काम सिखाती है क्या सर? जी सर, जी सर, जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग यूनिटी सिखाती है। अच्छा, यहाँ कोई भेदभाव होता है क्या? नहीं नहीं होता। जात पात होता है क्या? नहीं होता है सर। एक बात और कही जाती है कि आने वाले समय में देश को नेटवर्कर चलाएगा, ये बात क्या सही बात? एकदम सत्य है, सही बात है क्या सर? जी बिल्कुल सर। क्या भविष्य देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग में मैं तो भविष्य ये देख रहा हूँ सर कि हमारी देश की पूरी आर्थिक स्थिति को पूरा सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या बन के रह गई है बेरोजगारी, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ये बोलता है कि हमारी देश की पूरी बेरोजगारी जड़ से खत्म कर सकती है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती एक इंडस्ट्री है जो पूरी गरीबी को खत्म कर सकती है, बेरोजगारी खत्म कर सकती है। आपके बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स होंगी जो अभी भी आपको ट्रोल करती होंगी, है ना? जी जी। तो आपको उससे थोड़ा भी झिझक नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी हम इंडस्ट्री में जाए या कोई भी हम या नौकरी भी हम करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं कोई भी हर शब्द में बोलने वाले रहते ही हैं, हर जगह बोलने वाले, हर जगह बोलने वाले। हमको ऐसे लोगों से बिल्कुल परवाह नहीं करना है। बोलते हैं ना, लोग कहते रहेंगे, उनका कहना कभी खत्म नहीं होगा, हमको बस सफल होकर दिखाना है सर। नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य आप बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं सर? हमारा उद्देश्य सर कि लोगों को स्वास्थ्य प्रति अवेयरनेस करना, लोगों को बेरोजगारी मुक्त करना जी, और अपने सपने पूरा करना। हाँ जी। और ये बात बताने में पैसा तो नहीं लगता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप खेतों को उर्वरक बना रहे हैं, लोगों की बीमारियां खत्म कर रहे हैं, तो दुआओं का काम है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर। तो क्या ऐसे किया जाए जिससे भारत के ज्यादातर लोग समझने के लिए मजबूर हो जाए कि इस इंडस्ट्री को करना चाहिए? अच्छा, नौटंकी वही करता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। आज सर मैं बताना चाहूंगा, हमारी इंडस्ट्रीज के बदौलत, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बदौलत मैं एक कंपनी में हूँ जिसमें सबसे ज्यादा मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट किया। और आज पिछले 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल में मैंने अपने अंडर 1500 से ज्यादा किसानों को आज जैविक खेती करा रहा हूँ। और जैविक खेती में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी। 1500 से ज्यादा लोगों को जैविक खेती करा रहे हैं, जोरदार तालियां सर के लिए, क्या बात है। आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से लगातार मैं गांव के सरपंच लोगों के सहयोग से, सरपंच लोगों के माध्यम से, कोतवाल से गांव में मुनियादी करके, पूरे गांव को एकत्रित करके हर दिन मैं डेली सुबह शाम गांव में सम्मेलन कराता हूं जैविक कृषि का, जिससे पूरी गांव एकजुट होकर मुझे सपोर्ट करती है कि आप सबसे अच्छा कार्य कर रहे करके। और पूरी गांव सम्मेलन होने के बाद मेरा प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जैविक कृषि में बहुत शानदार रिजल्ट मैंने पिछले साल बहुत सारे किसानों को रिजल्ट लिया। और आज उन्हीं किसानों को मैंने दोबारा भी प्रोडक्ट दिया, और दोबारा जब मैं उनको प्रोडक्ट देने गया तो उसने मुझे एक बात बोली, आज से कुछ एक हफ्ते दिन पहले की बात है, एक किसान मुझे ये बात बोला कि सर हम पिछले 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे खेत में जो केचुआ गेंगरवा पाया जाता है वो नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट जो सॉइल प्लस है जिससे आज मेरे खेत में गेंगरवा भी दिखना शुरू हो गया, केचुआ भी दिखना शुरू हो गया आज। अच्छा, आप ही के बीच में कोई ऐसे जमींदार हैं जिनके पास ज्यादा खेती और अपने कंपनी के इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं? सर मैं आपसे जानना चाहूँ क्या रिजल्ट है और इसके पहले क्या था सर? जी मैं इसी सत्र में आया हूँ। हाँ जी। और इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने लिया? नहीं लिया अभी, नहीं लिया आपने? तो आप लेंगे, रिजल्ट लेंगे आप? अभी शुरू कर रहा हूँ। चलिए बहुत बड़े। कोई है जो? जी बताइए मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी पटेल है सर। तो आप बताइए मैम कि पहले की खेती और अब की खेती में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? मुझे देखने को मिला कि पहले जैसे रासायनिक डालते हैं उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। लेकिन मैंने जैसे ग्रोथ प्लस डाला अपनी चने की खेती में, अभी अगली फसल उसमें मैंने और कोई दवाई नहीं डाली, मात्र ग्रोथ प्लस ही डाली, कोई कीटनाशक नहीं डाली, और उत्पाद ठीक ही आया। अच्छा उगा है? अच्छा उगा, फसल अच्छी। इसका मतलब है कि रिजल्ट है सर। 1500 लोगों को अगर आपने जैविक खेती कराई है तो एक तरह से परमात्मा भी आपके साथ है, दुआएं आपको दे रहे, क्योंकि भारत सरकार भी यही चाहती है कि जैविक खेती की संख्या बढ़े। बिल्कुल सर। तो साथियों देख रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हूँ और आज बहुत सारे लोगों से मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कोई और भी है जो अपनी बात रखना चाहते हो, सर आइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दौलत राम साहू। सर आप इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले भी मैं जो करता था क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहा था। अच्छा, क्रिप्टो मनी मार्केट में आप थे? जी सर। जहाँ पर पैसे से पैसा बनाया जाता है? जी ऐसा। और बहुत सारे लोग लटक भी जाते हैं? लटक जाते हैं, मैं भी लटक गया था। आप भी लटक गए थे? ठीक है सर। क्या बात है। अभी अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है? बिल्कुल सर। मेरा कुछ सवाल आपसे हो? बिल्कुल सर। प्रोडक्ट आपने किसी को दिया? जी। पैसा उसने आपको दिया? बिल्कुल। बात खत्म? बात खत्म सर। लेकिन पैसे में किसी ने पैसा दिया और आपने उसको सपना दिखाया पूरा नहीं हुआ तो? रिस्क है। रिस्क था जी।
अपना छोड़ चुके हैं, छोड़ चुका हूँ सर। जो बताता है सर के लिए क्या बात है। अब आपसे सवाल करना चाहूंगा, अभी भी जो मनी मार्केट में फंसे हुए हैं और सट्टेबाजी अभी भी चल रहा है उनका, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही चाहूंगा कि जो स्कैमर वाले जो कंपनियां जो हैं उनसे दूर रहें। हाँ जी। और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के तलाश करें। जैसे मैं यहाँ पर नाम नहीं बता सकता क्या? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, नाम है ना। हाँ। है ना, मैं ये चाहूँगा कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है MLM में, अच्छे कंपनी का चयन करें और उस कंपनी के माध्यम से अपने सारे सपने को साकार कर सकते हैं, ना कि क्रिप्टो या सट्टा मार्केट वाले कंपनी में ज्वाइन करके अपने साथ साथ अन्य लोगों का पैसा डुबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आप इसके पहले क्या करते थे? मैं इसके पहले मैं पढ़ाई करता था और कोर्स के लिए मैं कोर्स करता था। देश के सैनिक बनना चाहते देश थे? के सैनिक बनना चाहता था। हाँ जी। तो कुछ दिन के बाद मैं इसके इंडस्ट्री के बारे में पता चला और सर के माध्यम से मैं डायरेक्ट सेलिंग का शुरू किया। अभी अच्छा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी आ जाए एक कदम। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप इस इंडस्ट्री को क्यों कर रहे हैं? जैसे नाम अश्विनी कुमार साहू। हाँ जी। बालोद जिला ग्राम पलारी से जी। और पहले मैं MLM स्ट्रेटजी को नहीं जानता था जी, इंडस्ट्रीज को। और लॉकडाउन के पहले मेरा स्वास्थ्य में गिरावट आई, उससे पहले मैं ईंटे भट्टे में मजदूरी का काम करता था। ईंटे भट्टे में आप मजदूरी किया करते थे जी सर। आज आप सूट और बूट में हैं जी सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सर के लिए जोर ताली बजे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर व्यक्तित्व भी बदल पाया तो बहुत बड़ी बात है क्या सर? बताइए सर। जी सर, 8वीं तक ही मेरा एजुकेशन है यार। हाँ जी। और मेरे को असलम सर और नूरी आलम सर वेस्ट बंगाल कोलकाता से और बिहार से, इन्होंने आके बताया मेरे को और मेरे स्वास्थ्य में जो लाभ मिला। मैं बैठ उठ नहीं सकता था पहले, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ। और लॉकडाउन से लेकर आज तक मैं अच्छी कंपनी और अच्छे लीडर्स जैसे गिरीश सिन्हा सर जी हैं, मेरे को बताएं कि हमारी छत्तीसगढ़ की कंपनी है। हाँ जी। तरसल हब सर, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, क्या बात है सर। तो सिन्हा सर जी ने मेरे को बताया तो मैं बोला नहीं, मेरे को ये सब नहीं आता है, यूज तो किया हूँ लेकिन बाकी नहीं आता। तो बार बार मेरे समझाया और इसमें मेरे को बहुत इज्जत और सम्मान मिल रहा है सर, जो आप खुद देख रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने दायरे से बाहर आकर अगर हम किसी के स्वास्थ्य के प्रति एक उसकी सुधार की सोचें, जैसे हम ठीक हुए वैसे, और उनके घर अगर कोई बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम मिला है तो बखूबी निभाएंगे सर। क्या बात है, शानदार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम युवराज साहू सर। इसके पहले आप क्या करते थे? अभी इसके पहले अभी कर भी रहा हूँ, अभी मैं ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं जी सर। अच्छा सर, नेटवर्क मार्केटिंग की दो बातें आपसे पूछूंगा, एक तो आयुर्वेद औषधियाँ हैं, दूसरा एग्री का प्रोडक्ट है जी। इन दोनों प्रोडक्ट से अगर लोगों को बेनिफिट होगा तो एक कॉन्ट्रैक्टर को लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए सर। और आप बता भी रहे होंगे? बता रहा हूँ सर। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपकी सोच क्या थी सर, हकीकत बताइए? इस इंडस्ट्री में आने से पहले जो सोच थी हमारा मजदूर का था, पहले अपन 500 रुपये रोजी करते इनकम करते थे। हाँ जी। तो ठेकेदारी से ये मुझे थोड़ा सा इनकम बड़ा करने का मतलब प्लानिंग था। हाँ जी। कि यहाँ से मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, अगर 4 लेबर को लेकर अगर मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं 1500 रुपये कमाऊँगा, ऐसा मेरा सोच था। अब इसी सोच के साथ मैंने ठेकेदारी स्टार्ट किया है जी। फिर भी वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिला। हाँ जी। और मुझे कुछ और बड़ा इनकम करने के लिए कुछ और तलाश थी जगहों की। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिली फिर? तो भाई साहब के माध्यम से, मेरे बड़े भैया हैं सॉरी, अच्छा, जो मेरे गांव से हैं। हाँ जी। इन्हीं के माध्यम से मैं इंडस्ट्री में आया और मीटिंग सिटिंग के माध्यम से जानकारी ले आया, फिर धीरे खुद के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया मैंने। अभी मैं अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट यूज़ करवा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, आयुर्वेद में भी यूज़ कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे 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 अपने समय को लगाता गया, अब लोगों को मैं सिर्फ प्रचार करना स्टार्ट किया हूँ। अच्छा लगा तो लोगों को बताना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल सर। चले सर, आप लोगों से बातचीत करके मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर बताएं। जी सर, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ जी। और इसमें हम बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं और हर वो लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहें वो अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपना शोहरत बना सकते हैं और एक बड़ा लेवल हासिल कर सकते हैं, ये बड़ी इंडस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की खुशी है कि हम नौजवानों को हमारे वयोवृद्ध संत, हमारे बड़े वयोवृद्ध पिता
सामान लोग अब सपोर्ट करने लगे हैं क्या सर? जी सर बिल्कुल सर। इसका मतलब इंडस्ट्री फलने वाली है, फूलने वाली है सर। क्या बात है, चलिए सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।